मुझे लगता है कि हमें कैबिन में ही रुकना चाहिए था, भूखा मरने के लिए। वैसे भी पता करना है हुआ क्या है। तुम्हें नहीं लगता अब तक तो इलाज मिल ही गया होगा या सब मर चुके होंगे? हेलो, सब चलेगा क्या यहाँ से? केविन, देखो अंदर लोग हैं। खाना है क्या? नहीं। Hey guys, वेंडिंग मशीन। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो मुझे वेंडिंग मशीन मिली है। तोड़ दो इसे। केविन, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये अभी भी जिंदा है बिली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमोना, हमें जाना होगा, उससे दूर रहो। नहीं, वो बदल रहा है, चलो यहीं रुको, कुछ नहीं होगा तुम्हें, यहीं रुको। रमोना यहाँ आओ। देखो जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसकी तरफ मत देखो, चलो यहाँ से। रमोना, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, चलो रमोना। तुम क्या करने वाले हो? चलो रमोना। वो अभी जिंदा है, नहीं। बस यहीं रहो, उसे देखने की जरूरत नहीं है। Oh.
हाय, मैं हेनरी हूँ। पहचान बाद में करते हैं, तुम्हें चोट लगी है? नहीं। कहीं काटा वगैरह? वो बहुत करीब आए थे ना? मुझे नहीं पता। एक काम करो, खड़े हो जाओ और हम लोगों को चेक करने दो। पर क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। खड़े हो जाओ प्लीज। कम ऑन, कम ऑन, अपने हाथ ऊपर करो। चलो बस चेक करेंगे। ओके, कुछ दिखा क्या? अभी तक नहीं। अपनी पैंट ऊपर करो। ओके, सब ठीक। मैं मैक हूँ। बिली, ये रमोना है। ओके, नाइस टू मीट यू। काफ़ी समय बाद इंसानों से मिल रहे हैं। हेनरी से मिल चुके हो? ये जूलियन है। हाय। कैसी? चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ सही कहा। हमारे गोल्डन रूल्स, बस भटकते रहो बादलों की तरह। क्यों, सही कहा ना? तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? केविन के डैड का एक केबिन है, हम वहाँ वेट कर रहे थे। सोचा कि सब खत्म हो जाएगा तब बाहर निकलेंगे, और हम बाहर आ गए। हाँ, लगभग ये खत्म ही है, बस बस अच्छे तरीके से नहीं। हमारे साथ चलो, कम ऑन। नहीं बिली, हमें कुछ करना होगा। देखो यहाँ बहुत खतरा है। नहीं, मैं उसे कॉलेज से जानती हूँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ से अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर पागलों की तरह घूम नहीं रहे होते तो वो अब भी जिंदा होता। पागलों की तरह? तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। वो ज़ॉम्बी बन चुका है, वो अब केविन नहीं रहा। रमोना, माफ कर दो। ओके, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारे दोस्त का नाम केविन क्या था? केविन एंडरसन। और वो कहां से था? एवेंसविल। चलो रमोना, यहाँ बहुत खतरा है, हमें चलना होगा, नहीं तो हम भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। चलो, ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से चलना होगा। रमोना, कम ऑन। यहाँ से डॉग कितनी दूर है? एक दो दिन लग जाएंगे। ये देखो, ये तीर किसने मारा होगा? इसे तीरंदाज। आगे कोई ना कोई ग्रुप होगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मैंने उन्हें कैंसस में देखा था और फिर कभी नहीं देखा। कैंसस? तुम तो वहीं से हो ना? नहीं, हम वहां से गुजरे थे कुछ समय पहले। हम कैटलिना जा रहे थे। कैटलिना आइलैंड? हाँ, आर्मी ने साफ कर दिया, अब वहाँ जिंदा रिफ्यूजी रहते हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है। नहीं, यकीन। अच्छा देखो, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, एक रेडियो था जो काम नहीं कर रहा है और केविन का ट्रक भी नहीं चल रहा है। वो ईएमपी था, हाई ऑल्टीट्यूड न्यूक समझ सकते हो। उन लोगों ने सारे इलेक्ट्रॉनिक ले लिए, कार, प्लेन, ट्रेन, सब कुछ। वो शायद प्लेग करियर को ले जाने वाले थे। हाँ, पर उनका ये प्लान काम नहीं किया। अरे नहीं, शहर में आग लगी जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें आदत हो जाएगी। वाह, वो देखो, वहां एक कुत्ता है। महीनों से मैंने कोई कुत्ता नहीं देखा। यहां आओ डॉगी। डॉगी, रहने दो उसे, हम कुत्ते को साथ नहीं ले जा सकते। बिल्कुल ले जा सकते हैं, उसे ट्रेन करेंगे कि वो किसी पे भौंके ना। जूलियन, हम नहीं ले जा सकते। लेट्स गो। इसकी तो
थोड़ी देर रुकते हैं। कम ऑन, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त? टॉयलेट के लिए। अच्छा, देखो मुझे माफ कर दो रमोना, बात यह है अगर हम वहां जल्दी पहुंचे होते तो उसे बचा सकते थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जरा रुको, सब अचानक से हो गया, इसलिए ये रूल बनाया है, हम कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे, कभी नहीं, टॉयलेट के लिए भी नहीं, समझ गई ना? तो तुम कह रही हो वो लड़के हमेशा तुम्हारे साथ? हाँ। थोड़ा अजीब है, ज़ॉम्बी से अच्छा तो कोई इंसान ही देख ले। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ओह सॉरी, मुड़ जाती हूँ, कोई जल्दी नहीं है। मेरी बात सुनो, हम टाउन नहीं जाते हैं क्योंकि अब वहाँ लोगों की जगह ज़ॉम्बी रहते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो प्लान ये है, टाउन जाकर जल्दी और शांति से काम करेंगे, मेरा लीड फॉलो करना, ओके? मैं बढ़ूँ तो चलना, मैं रुकूँ तो रुकना, शांत रहना और सबसे ज़रूरी सतर्क रहना। हाँ देखो कौन आए, देखो तो सही। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुत्तों के दिल में बहुत ज्यादा प्यार होता है। जानता हूँ। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तुम इसे इनकरेज कर रहे हो? नहीं, मैंने तो इसे बस खाना दिया था, ये मुझे भूखा लग रहा था इसलिए। बस करो जूलियन, वो ज़ॉम्बी को देखते ही भौंकने लगेगा और हम सबको मरवा देगा। हम यहाँ से सामान लेते हैं और चलते बनते हैं। अलर्ट रहना, शांत रहना, आंखें खुली रखना, ध्यान हटा तो बच नहीं पाओगे, इंसान की तरह तो बिल्कुल ही नहीं। वहाँ वाले ज़ॉम्बी से लड़ना आसान था क्या? हाँ वो सब बहुत स्लो ज़ॉम्बी थे, हमें इससे तेज भी मिले हैं। रनर दिखे तो चिल्लाना। अब रनर क्या है? ज़ॉम्बी की दुनिया में सबसे डरावना, बहुत तेज और बहुत खतरनाक। कांप रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। तो इसे मार क्यों नहीं देते? स्लो को मारना ठीक नहीं, इससे शोर होगा और उससे और भी ज़ॉम्बी आ सकते हैं। चलो चलो। रुको 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 रुको, एक मिनट, नहीं, वहां छुपने की बहुत जगह है। हम जल्दी करेंगे और शांति से करेंगे। खतरों के खिलाड़ी। रास्ता साफ है तो ठीक है, चलते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ज़ॉम्बी को सूंघ रहे हैं। यहां कोई इंसान है? हेलो, शांत
पहले वाली टीम यही रहेगी, नए लोग हमारे साथ चलो। हमें खाना ढूंढना चाहिए। क्यों? हमारे पास बहुत सारा खाना है, बहुत सारा। तुम्हारे लिए बूट्स की जरूरत होगी जिससे सुरक्षित रह सको। हाँ, हार्ड प्लास्टिक का बना कुछ ढूंढो। हाँ, सॉफ्ट वाला मत उठाना, ज़ॉम्बी उसे च्युइंगम की तरह चबा जाएगा। हाँ, देखो ज्यादा भारी ना हो, क्योंकि भारी होगा तो पसीना आ जाएगा। सॉरी, मुझसे गिर गया। मिल गया। हे, हम साइकिल क्यों नहीं ले लेते? चलने से ज्यादा आसान रहेगा। इससे रनर के टारगेट बन सकते हो। हाँ, हथियार पकड़ने का मौका नहीं मिलता, उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, खतरा बढ़ जाता है। जरा देखो तो, दुनिया खत्म हो रही है तो क्या सफाई नहीं करेंगे? जिसने भी ऐसा किया होगा वैसा ही सोचा होगा, बाकी सब तुम्हारे गए होंगे। तुम इसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत ज्यादा पता है। हे, वुमन साइज 7 दिखा क्या? नहीं, मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं पीछे देखती हूँ, मुझे यहाँ नहीं मिला। एक मिनट रुको, हम साथ चलते हैं। हाँ हाँ, अकेले जाना ठीक नहीं होगा, पता नहीं वहाँ किस तरह के जानवर का सामना करना पड़ जाए। ज़ॉम्बीज़ को दरवाजे समझ में नहीं आते। तुम्हें वो आदमी याद है, उसका नाम क्या था? कर्कमैन। कर्कमैन, हाँ हाँ, यह आदमी हमारे साथ एक बार कॉफी शॉप में था। वो डार्क रोज ढूंढ रहा था शायद, फिर उसने दरवाजा खोला, वहां 50 ज़ॉम्बी खड़े थे। तैयार? फिर उस कर्कमैन के साथ क्या हुआ? क्या हो सकता है? तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? साइज 7 कॉम्बैट बूट चाहिए। कॉम्बैट या ऐसा कोई जूता? मुझे तो नहीं मिल रहा, तुम देखो। ये 7 नंबर है। मिल गया। जल्दी बचाओ, कवर दो, जल्दी करो जूलियन। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो जूलियन, वक्त नहीं है। ये हमारा लास्ट एयर होन था। ये वापस क्यों जा रहे हैं? आवाज की वजह से। जल्दी चलो, ज्यादा ध्यान नहीं भटका पाएंगे। क्या हो रहा है? केविन मर गया है और अब वो हमें मारना चाहते हैं। देखो, शांत हो जाओ। नहीं हो सकती, हम केविन में वापस जाएंगे, वहाँ पर खाना लेंगे। मैं सच कह रही हूँ, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तुम्हें कैसे पता कैटेलिना में ये सब नहीं होगा? मेरे पति ने मुझे बताया, समझ गई। देखो, इस बारे में बात करते हैं, पहले सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। लेट्स गो। चलो।
सारी चीजें लिख रहे हो? हाँ। तुम्हें क्या लगता है इसे कौन पढ़ेगा? अगर किस्मत अच्छी हुई तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जो कि अभी तो है नहीं। वैसे किस्मत बुरी हुई तो जिसे मेरी लाश मिलेगी वो पढ़ेगा। बस करो। कम से कम मेरी लाश पर कुछ तो काम का होगा। हम हाई स्कूल से 16 मील दूर हैं। अगर जल्दी उठे तो रात तक पहुंच जाएंगे। हाई स्कूल? हाँ, वहां पर एक ठिकाना है और वही हमारा अगला स्टॉप है। तुम्हें कैसे पता कि वो भी वहां है? तुम्हें सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है ना? जवाब नहीं पता इसलिए तो पूछता हूँ, पर अगर पता ही नहीं होगा तो मुझे। हमें एक ग्रुप मिला था हमारे रास्ते में, उन्होंने बताया था कि वो अब भी ऑपरेशनल हैं। रास्ते में? किसी सेफ जोन के बारे में सुना है साउथ डकोटा में, उन्हें लगा कैटलिना है ही नहीं। मिल गया। क्या? हम सबकी खुशी। क्या मिल गया? आज रात का खाना। मिशिगन गर्मियों में, जरा सोचो, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा पर बदबू। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ, मुझे जानना भी नहीं है। तो कैसे तुम कह रही थी कि तुम्हारा पति है? हाँ, स्टू, स्टूई, ऑफिशियली एक्टिंग सर्जन जनरल स्टुअर्ट एंडरसन। इस क्राइसिस में उसने 2 हफ्ते काम किया। डॉक्टर की कमी हो गई थी तो स्टू ने मदद की। वो सरकार की मदद करने चला गया और मैं अपने भाई जैक को ढूंढने चली गई। हम लोग कैटलिना की अगली फ्लाइट पकड़ने वाले थे। फिर क्या हुआ? इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अगली कोई फ्लाइट ही नहीं थी तो मैंने जैक को ढूंढा और आगे बढ़ी। फिर अगले दिन जूलियन से मिली। मैं फंस गया था एक मार्केट के सोडा मशीन के पीछे, सोच सकते हो? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और पिट्सबर्ग में मैक ने हम लोगों की जान बचाई थी। पता नहीं मैंने कितनी मदद की। हाँ, तुमने मदद की। इसे हम ओहायो में मिले। मैं कम से कम 100 मरे हुए ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे घोड़े को मार दिया। मुझे गुस्सा आया, मुझे चोट पहुंचा दो लेकिन मेरे घोड़े को नहीं। हम तुम्हारे लिए नया घोड़ा जरूर ढूंढेंगे। चलो, बहुत हो गई बातें, अब वक्त है मीठा खाने का। अब हम खाएंगे दुनिया का सबसे बेस्ट खाना, स्मोर्स। हाय। हे। डिनर पर बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी। तो किसी ने क्यों नहीं बताया कि कैसी के भाई के साथ क्या हुआ? ये मेरे मिलने से पहले हुआ था। वो खाना ढूंढ रहे थे और उस दौरान एक गुट से टकरा गए। ओह, क्या मतलब गुट क्या है? वैसे ये अक्सर नहीं होता पर कभी कभी ज़ॉम्बी इकट्ठा होते हैं और गुट बनाते हैं, जैसे कि भेड़ बकरी का होता है। एक दूसरे को फॉलो करते हैं और ऐसे हो रहा था कि उन्हें जैक मिल गया। उसके सामने जैक को मार दिया? हाँ शायद, पर सच कहूँ कैसी को लगता है कि उसने जेक को हिलते देखा था। शायद वो ज़ॉम्बी बन गया था। वाह, सोचकर अजीब लगता होगा कि वो है कहीं और, अब इंसान नहीं है, ज़ॉम्बी बन गया। हाँ, ये आसान नहीं है। और तुमने भी किसी को खोया है? इस प्लेग की वजह से तो नहीं, पर
कुछ साल पहले मेरी बीवी गुजर गई थी कैंसर। सुनकर बुरा लगा। ये बहुत खूबसूरत है, इनकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। बहुत अच्छी थी, मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं हम दोनों के लिए जीऊंगा, सो वही कर रहा हूं। हे, चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे वहां। हाँ, वो क्या है? ये ज़ॉम्बी नहीं है, ये जूलियन का कुत्ता है। जाओ यहां से, जाओ निकलो यहां से। नहीं 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 नहीं, ये तुमने क्या किया? रुको जूलियन, वो ज़ॉम्बी है। कुत्ते भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं, हम भी नहीं जानते थे। हम फ्लेम थ्रोअर क्यों नहीं जलाते? ओके, तो ज़ॉम्बी मिलेगा और हम फ्लेम थ्रोअर जलाएंगे, उसके बाद क्या? फिर वो मर जाएगा, फिर एक जलता हुआ ज़ॉम्बी तुम पर अटैक करेगा, अच्छा रहेगा ना? हाँ, पर आखिर में पहुंचते पहुंचते तुम भी आखिरी हो जाओगे। इसका क्या मतलब हो सकता है? वहां कोई स्नाइपर था, चलो देखते हैं। हाँ चलते हैं। यहां पर कोई इंसान है? तीस गोलियां चली इस अकेले के लिए, ये ज्यादा हो गया। चलो चलते हैं यहां से। ये रहा एक एक्सपायरी डेट वाला ज़ॉम्बी। हाथ मत लगाना, इससे दूर ही रहना ठीक। ज़ॉम्बी का कत्लेआम। तो
सब लोग कहाँ हैं? अगर लकी होंगे तो अंदर सुरक्षित होंगे, और हम लकी नहीं हुए तो? गंदी बदबू आ रही है। हाँ, ज़ॉम्बी की बदबू। तो इंसान है यहाँ पर? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कोई होता तो अब तक दिख जाता। हाँ। ना इस तरफ देखते हैं। सच कहूँ तो मैं कैबिन में वापस जाना चाहती हूँ। शांत हो जाओ। हमें यहां से जाना चाहिए। वो यही हैं। पक्का? हाँ, वो यही हैं। सच में? कैटलीना के बाद यही सुरक्षित जगह है। वो यही हैं। हे, पता नहीं मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पीछे का दरवाजा भी है, हमें जाना चाहिए। वो चले गए यहां से? इतनी कमाल की जगह को छोड़कर जाएगा? कोई भी पेपर या नोट ढूंढो, या कोई भी साइन।
जाना। इसने हमला किया, मैंने मार दिया। रेमोना, आई एम सॉरी। क्या बिली कहाँ है? माफ करना, हम अलग हो गए। अलग हो गए मतलब तुम चार लोग हो। उसे बचाना चाहिए था, उसे बचाना चाहिए था। बिल्कुल बचाना था मतलब उसे छोड़ दिया। हमने कोशिश की मैक, हमने पूरी कोशिश की। इससे भी बुरा हो सकता था, वो हमारा यहाँ इंतजार कर रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं। मेरी बात वो इंतजार नहीं कर रहे थे। वो यहाँ छिपे हुए थे, हमारी बस किस्मत अच्छी थी इसलिए हम बच गए। ज़ॉम्बी छिपते नहीं है जूलियन। वो छिप भी रहे थे तो क्या? हाँ सही कहा, हमें बस यहाँ से निकलना होगा। थोड़ा रुकते हैं। हेनरी, तुम जैसे इंसान की सांस कैसे नहीं चढ़ती? मैं तुम्हारी तरह बकबक नहीं करता। तुम ठीक हो? अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार, क्या हुआ? मैंने अपना ब्रश खो दिया। ठीक है, हम दूसरा ले लेंगे। नहीं मैक, मुझे नया ब्रश नहीं, मुझे मेरी चीजें चाहिए। हम जब कैट नहीं पहुंचे तो? अगर सबके सब मर गए हो वहां पे और कोई ना हो तो? ये सब ये कैसा मजाक है यार? कैटलिना पहुंचते पहुंचते हम सब मर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहता। कोई भी मरना नहीं चाहता जूलियन। तुम थक गई हो। हाँ सही कहा, इन सब चीजों से थक गई हूँ। बात क्या है? मैं बस थक गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा। पता है मैं क्यों कैटलिना जा रहा हूँ? पहला, वहां ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे। दूसरा, वहां ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे। तीसरी वजह, मैं नहाना चाहता हूं, मैं टॉयलेट जाना चाहता हूं, मुझे वहां पानी चाहिए, गरम गरम पानी सीधा नल से, मुझे वो आग पर गरम किया हुआ पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। नहाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से नहाऊंगा, शायद किसी लड़की के साथ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस छोटा घर, एक बगीचा। जुडित और मैं टमाटर उगाते थे, मैं फिर वही करूंगा। मुझे मेरे घोड़े की याद आ रही है। तुम्हारा तो घोड़ा भी बहुत बड़ा होगा। हाँ। मैं यहां से दूर जाना चाहती हूँ। बिली और केविन की तरह मरना नहीं चाहती। जूलियन, मैप निकालो, हम निकलते हैं। हमें शायद वेस्ट की तरफ जाना होगा। इन घरों को छोड़कर हम दूसरी तरफ से जा सकते हैं। ठीक है, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा, जल्दी चलना होगा, यहाँ से हम बहुत दूर जाएंगे। जरा देखो तो, ये सब इससे भी बुरा हो सकता है।
और कितनी दूर जाना है? पता नहीं, शायद हम गलत रास्ते पर हैं। मजाक था, हम सही रास्ते पर हैं। जरा वहां तो देखो, उधर लगता है उस घर में आग लगी है। ऐसा लग रहा है वहां कुछ चल रहा है। मैं भी। हम मदद करें? पता नहीं, कोई इंसान हो, शायद तीरंदाज हो। क्या कहते हो, हम मदद करें? चलो चलते। हेलो, हे, हेलो, पहले देख लो फिर जाना। अभी नहीं चलोगे तो सब मारे जाएंगे। मारे जाओगे, चलो। कैसे? हेनरी, चिल्लाओ मत, वो यहाँ आ जाएंगे। चलो यहाँ से। चलो। पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। मेरे लिए वापस आने के लिए शुक्रिया। काश ये पहले मिला होता। अच्छा काम किया तुमने। चलो। कहाँ जा रहे हैं? एक सेफ हाउस सेट किया है हमने। हमारे पीछे कोई नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए हमने बैंक को पीछे छोड़ दिया। 100 ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक आदमी को छोड़ दिया है। परेशान मत हो, उस लड़की को लड़ना आता है। तुम लोग कितने लोग हो? बस हम 3 लोग हैं। ठीक है, अब हम ज्यादा दूर नहीं है। तार से संभाल कर, लाल रिबन बांधा है उस पर। तुम्हें नहीं लगता उन्हें रिबन से पता चल जाएगा? नहीं, ज़ॉम्बी को रिबन के बारे में नहीं पता। मदद के लिए शुक्रिया, पर हमें अपने दोस्तों को ढूंढना है। तुम्हें लगता है वो जिंदा होंगे? दोनों में से एक भी हार मानने वाला नहीं है, तो हाँ वो जिंदा हैं। इतने लंबे सफर में मरे नहीं। मैं मायरा हूँ। मैं जूलियन। हाय जूलियन।
ये वापस जाना चाहते हैं। इनके दो दोस्त हैं वहाँ। बच नहीं पाओगे, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, हमें जाना होगा। बस पहुँच गए। देखो अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो मैं साथ चलूंगा, जब तक जिंदा हूँ साथ दूंगा। ओके, केसी कहाँ रह गए तुम? शहर के रास्ते से हम फेरी तक जा रहे थे जहाँ हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी मिले। तुम उन्हें ज़ॉम्बीज़ कह सकते हो? कैसे फेरी? लोगों को ले जाने के लिए कैटेलिना से हर हफ्ते फेरी आती है, हमने ऐसा सुना है। ईस्ट में ये बातें सुनी थी, यहाँ आने में काफी समय लग गया। हमें भी समय लगा, लगभग 6 महीने। ज़ॉम्बी से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं पर वो पूरे शहर में है। शहर से नहीं जा सकते। सही कहा, हम शिकागो से कुछ 20 लोग बच के आए थे, कॉप्स जिनके पास हथियार भी थे, पर अब सिर्फ हम बचे हैं। बहुत तकलीफ हुई होगी। हमारी बात सुनी होती तो आज वो जिंदा होते। यहाँ ईस्ट की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। और ये रास्ता तो हमें पता ही है, पर हाँ हम इस रास्ते से जा सकते हैं, यहाँ कम खतरा हो सकता है। यहाँ से हमें 2 से 3 दिन लगेंगे कम से कम। सही कहा, पर पता नहीं इस रास्ते पर भी क्या मिल जाए। और इस रास्ते के बारे में क्या ख्याल है? हम जब यहाँ आए थे तब हमने ये रास्ता देखा था, और बाकी रास्तों से यहाँ ज्यादा ज़ॉम्बी हैं, ये सही नहीं रहेगा। जल्दी निकलना होगा, फायर मत करना, सिर्फ उसे मारो जिससे खतरा है। पता नहीं तुम क्या सोचते हो, पर अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रुको जब तक हम मदद लाते हैं। मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं, उनसे बात करूंगा। बस हेनरी और केसी को वापस लाना होगा। ऐसी सोच से तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमने देखा तुम लोगों ने खुद को वहां कैसे संभाला, मुझे नहीं लगता यह सही फैसला है। मेरी टीम के साथ जो भी हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हेनरी और केसी जिंदा है तो वो इस रास्ते से यहाँ आएंगे, तुम्हारे साथ हम यहाँ तक आते हैं, उसके बाद तुम अपने रास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, मुझे बस इसी जगह का डर है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। तो तुम उन्हें ज़ॉम्बीज नहीं बुला सकते? हाँ सच में, रास्ते चौड़े नहीं है, उनसे बचना मुश्किल होगा। तो हम जो कहें वो करना, वरना साथ में मत आना, समझ गए? हाँ ठीक है। ठीक है, काफी मुश्किल दिन होगा, हमें आराम करना चाहिए, मेरी टीम नजर रखेगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। हमें हफ्तों से तीर देखने को मिला है। तो तीर ही क्यों? अच्छा हथियार शोर नहीं करता, जो भी स्टोर जाता है बंदूक लेता है, तीर कोई छूता भी नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसे चलाना नहीं जानते। हम क्विंसी तीरंदाज टीम से हैं, ये हैं को सिंक्लेयर। ओ अच्छा, सो जाओ, चलो चले। तुम सो जाओ, मैं गार्ड करता हूँ। हमारा एक सिस्टम है, बाहरी लोगों को हम गार्ड करने नहीं दे सकते। कल के बाद उसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम कैथलीना पहुँच जाएंगे, वैसे यही तो प्लान है ना? कहते हैं ना, इंसान और चूहों का प्लान अक्सर भटक ही जाता है। ये असल में गैंग आफ्टर ग्ली का है, मेरा मतलब है ओरिजिनल बर्न से ओरिजिनल पोइम। ठीक है। शायरी से रिझाना चाहते हो, वो भी ऐसे हालत में? काम किया क्या? ये ना तो नहीं था। काश ये सैटेलाइट हो ना कि स्पेस स्टेशन। जाकर सो जाओ जूलियन, आराम करो।
हे, वो देखो क्या है वो? शायद सैटेलाइट है, पर कह नहीं सकता। कभी कभी दुनिया का अंत भी सुंदर लगता है। हमें सोने के लिए जगह ढूंढनी होगी, कल हमें बहुत कुछ करना है। ठीक है, बैंक हमें लीड करेगी, मैं 50 फीट पीछे और फिर सैरा और तुम्हारी टीम। ओके। हैंड सिग्नल याद है ना? हाँ, शायद। देखना, सुनना, आगे बढ़ो और रैली। बुरा वाला कौन सा? रैली का मतलब है मदद। कोई कंफ्यूजन हो तो सैरा से पूछ लेना, सिर्फ उसी ज़ॉम्बी को मारेंगे जिससे कोई खतरा हो या जो देख ले। कल रात को ही गोलियां खत्म हो गई। अच्छा है, तुम शूट नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से अच्छा बहुत ही अलग होता है। तीर बचा कर रखना, अगर कोई तीर वापस ला सके तो जरूर लेकर आना, जरूरत पड़ेगी। क्या लगता है वो लोग सुरक्षित होंगे? हाँ, मैं उन्हें सुरक्षित रखेगा। हमें वापस जाना चाहिए। अब हम आइलैंड की तरफ जाएंगे, वो लोग भी वहीं आएंगे। हम कैटलिना पहुंचेंगे तो वहां और भी लोग होंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मतलब मेरा पति भी? हाँ। बात ये है कि अब तुम और मैं दोस्त हैं, और मैं नहीं चाहती कि... समझता हूँ। हाँ, तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी ना? हाँ, पर मैं नहीं चाहती कि हम दोनों... तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। तैयार हो बैंक्स? चलो। बहुत सारे हैं, हमें बटना होगा। कुछ इधर ही देख रहे हैं, हम स्टॉप और ड्रॉप कर सकते हैं। स्टॉप ड्रॉप क्या है? सबसे दूर वाले पर हमला करो, उसके गिरते ही बाकी उसकी तरफ चले जाएंगे। हम उल्टे रास्ते जाएंगे, अगर पहली बार में कामयाब हो गई तो। देखो हो गई, चलो चलें। Yes, टॉयलेट। Yes, टॉयलेट जाऊंगा। जुलियन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे काटा क्या? आ, 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 आ,
बहुत सारे हैं। चलो चलो चलो। वहां पर वैन के अंदर चलो। सब अंदर चलो, जल्दी करो, चलो। ये बंदूक हमारे शायद काम आ जाए, कुछ गोलियां मिल जाती तो। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बात है, मैं ये ले जाना चाहती हूँ। बहुत भारी है। प्लीज। अब तुम इसे लिखना। क्या? मेरी जगह अब तुम इसे लिखोगे। पर क्यों? लिख देना, जूलियन, सिएटल और वॉशिंगटन। नहीं जूलियन, नहीं, मैक, नहीं, मैक, नहीं, मैक, नहीं, मैक, मैक, प्लीज समझो, समझो। हे मैकबेथ, हाँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं बहुत चाहता हूँ। मैं उनका ध्यान भटका सकता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं, 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 नहीं। तुम कैसी को ढूंढो, कैटलीना जाओ और जियो।
नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। जूलियन, जूलियन, ये समय बन रहा है, ये बन रहा है। जूलियन रोमाना, मुझे तुम्हारा चाकू दो। हेनरी तुम्हारे पीछे। ये चालाक होते जा रहे हैं। चलो यहां से। वो जा रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो मैं चलो Thank you.
हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम फंस गए हैं हेनरी। वो क्या है? शायद वह मैक है। क्या वो लोग देख पा रहे हैं? हमें वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। एक प्लान है, चलो। शायद यहाँ पर कोई नहीं है। और ज़ॉम्बी को चढ़ाई करना नहीं आती तो यहाँ नहीं आ सकते। तो तुम लोग तीरंदाज हो ना? हाँ, ये है बैंक्स सैरा और मैं ब्रॉक। हाय, मैं कैसी हूँ और ये हेनरी। आपका काम बहुत अच्छा है। वैसे ये जूलियन कहाँ है? वो नहीं बच पाया कैसी। मुझे लगा जूलियन हमारे साथ ही जाएगा। I'm sorry, Cassie. Guys, fairy
वेनसडे को दोपहर में आएगी। आज कौन सा दिन है? जूलियन को पता होता। मुझे कुछ मिला है। इतना आसान नहीं है। क्वारंटाइन किया जाएगा, एक हफ्ते के लिए सर्वाइवर को आइलैंड पर रखा जाएगा। हाँ सही है। यहाँ पर खाना है। ओ नहीं, ब्रोकटन यहाँ आओ। हथियार, बैग्स पीछे ध्यान दो। ज़ॉम्बी किसी तरह यहाँ पहुंचे होंगे। पर ये कैसे हो सकता है? ये कुछ अजीब है। मैंने इस तरह का कत्लेआम पहले कभी नहीं देखा। और हमने भी नहीं। ये कैसी आवाज थी? क्या पता नहीं। इसके ऊपर कोई लाशों को घसीट रहा है। अब ये क्या है? आई कमीनी, संभल कर। हेनरी!
को नहीं। ज़ॉम्बी मत बनने देना। किसी को फेरी नजर आई? फेरी आ तो रही है ना? उम्मीद तो है, जरूर आएगी। तो कैसी कैटरीना पहुंच कर तुम सबसे पहले क्या करोगी? हस्बैंड को किस करूंगी। और नई तलवार ढूंढूंगी।